इस दिसंबर की तारीख को याद रखिएगा, इस महीने की जो सबक हमें तारीख देती है। आप इसी पाकिस्तान के शहरी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको फिर पाकिस्तानी होने पे फख्र नहीं महसूस होता? सर, पाकिस्तानी होने पर मुझे दुख होता है कि जिस तरह इसने हालात कर दिए मुल्क के। सर, हमारे बड़ों ने ना शहादतें दे के इसलिए इसको हासिल नहीं किया था कि हम बाद में जाके इस पे सूद खाएंगे, इसमें एक दूसरे को कत्ल करेंगे। यहाँ हिंदू सही नहीं है, यहाँ मुसलमान की सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ क्रिश्चियन की सिक्योरिटी नहीं है। आप मुझे कसम खा के बताइए, लाहौर है आपका थोड़ा सा एजुकेटेड? वन इंडिया पॉलिसी जो है कि उसके अंदर जो के है, अगर हम देखा जाए मैप देखा जाए इंडिया का, तो उसके अंदर कश्मीर भी आता है, गिलगित बल्तिस्तान भी आता है। और इंडिया क्लेम करता है कि गिलगित भी हमारा और चाइना और वो भी हमारा, क्या नाम उसका, कश्मीर भी हमारा। कश्मीर हमारा है तो हमने आज तक कश्मीर के लिए किया क्या है ये भी बताएं। पाकिस्तान ने हमने बहुत कुर्बानी दी हुई है। क्या कुर्बानी? कुर्बान दी है, वहाँ जाके जंग लड़ी है, सब करके सारा काम किया हमने, उनसे सारों से लड़े हैं। उनसे लड़े हैं? ए, हिंदुस्तान वालों से, लड़ते हैं मुसलमानों के साथ है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर हमारा होना चाहिए, ऐसे ही है, तो पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए किया क्या 75 साल में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है, इस्लामाबाद के रिहायशी हूँ। आज मैं अपने ही काम की तरफ मैं जा रहा था और मैंने रास्ते में देखा ये एक पोस्टर है, महाभारत स्टेप फॉरवर्ड। आज जम्मू एंड कश्मीर लिया है, कल बलूचिस्तान, पाकिस्तान को कश्मीर लेंगे। मुझे विश्वास है देश के पीएम अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में आज भी ये चल रहा है कि हिंदुस्तान पूरे पाकिस्तान में कब्जा कर लेगा। कुछ एंकर्स ने तो अखंड भारत पर पाकिस्तान पब्लिक के रिएक्शन भी जानने की कोशिश की है। इंडिया पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत से नाम कमा रहा है, मगर पाकिस्तान में कुछ लोग न्यूज स्टूडियो में बैठकर पाकिस्तान की पब्लिक को पागल बनाते रहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर कब्जा करने वाला है, जिसमें लाल टोपी सबसे आगे रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी और अजीत डोवाल के नाम से पाकिस्तानियों का इतना डर लगता है कि इनके सपने में भी दोनों लोग आते होंगे। इंडिया क्यों फटे हाल पाकिस्तान पर कब्जा करेगा? जिस देश की इकोनॉमी फटे हाल हो तो उस देश पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इंडिया अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी थोड़ा ही मारेगा, मगर कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर एक हो जाए तो उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तानियों को न्यूज स्टूडियो में बैठकर भारत का प्लान कैसे पता चल जाता है ये कोई हमें भी बता दे। तो आप भी अखंड भारत पर पाकिस्तानी के रिएक्शन देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज मैं आपको खबर देता हूं जिसके बारे में 99% मुझे यकीन है कि उसकी तस्दीक होगी। 100% तो इसलिए कि भाई ये सोर्सेज ने मुझे बताया। और इंडिया का भी ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये कन्वर्ज कर जाते हैं दोनों। ठीक, अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल, उन दोनों के लिए कॉमन एनिमी पाकिस्तान। मुझे नहीं समझ आ रही यार, एज अ नेशन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारी आंखों के सामने इंडिया वाले अपने पोस्टर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग सो रहे हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी जहाँ तक नजर जा रही है ये पोस्टर्स वहाँ तक लगे हुए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, इस्लामाबाद के एफसीसी सड़कों पे ये लगे हुए हैं। ये कहता है इंडिया की नजर से ना देखो, बनियों को मिला इक्तदार 1400 साल के बाद, 1400 साल नहीं, 1000 साल के बाद इक्तदार मिला है। और वो पंजाबी की कहावत है, भूखे जट प्याला लब्बा पानी पी पिया फिर। एक भूखे को प्याला मिल गया, वो पानी पी के पागल हो गया। और वो तो देख रहे थे ख्वाब सेंट्रल एशिया तक रसाई का, ताजिकिस्तान में अड्डा ले लिया जी। ताजिकिस्तान में अड्डा मोदी साहब आपने करना क्या है, है? किस पे हमला करना है ताजिकिस्तान से? मतलब दिमाग खराब है ना, वो गांधी ने और नेहरू ने इनका दिमाग खराब किया ना। ग्रेट इंडिया, मदर इंडिया, इंडिया तो कभी मुत्तहिद था ही नहीं, इसको तो मुसलमानों ने मुत्तहिद किया, फिर अंग्रेजों ने मुत्तहिद रखा। ठीक है, इंडिया में तो राजवाड़े 3000 साल पहले है, वो मेरे चचा के, मामू के, ताया के, फूफा के पड़ोसी जो थे वो हमारे बड़े एक अजीम जनरल थे। वो 3000 साल पहले ईरान, 2000 साल पहले सुपर पावर था। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि सर, आपको क्या लगता है कि वन इंडिया पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी के ऊपर हम बात करेंगे। वन इंडिया पॉलिसी जो है कि उसके अंदर जो के है, अगर हम देखा जाए मैप देखा जाए इंडिया का, तो उसके अंदर कश्मीर भी आता है, गिलगित बल्तिस्तान भी आता है। और इंडिया क्लेम करता है कि गिलगित भी हमारा और चाइना और वो भी हमारा, क्या नाम उसका, कश्मीर भी हमारा। और अगर वन चाइना पॉलिसी देखें तो चाइना कहता है कि ताइवान हमारी टेरिटरी में आता है, ताइवान हमारा हिस्सा, तो इंडिया को कह रहा है कि आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। तो क्या समझते हैं आपको, क्या लगता है आपको कि इन फ्यूचर चाइना जो क्या है वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया का साथ देगा वन इंडिया पॉलिसी के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं मेरे ख्याल में होगा। उसकी वजह यह है कि देखें, जहाँ तक कश्मीर का तल्लक है, कश्मीर के लिए तो जो इनकी जो रेजोल्यूशन है वो उसके अगेंस्ट, उसके के मुताबिक है ना, उसका होना चाहिए सोल्यूशन ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो इंडिया है उसको यूएन की जो रेजोल्यूशन उसके मुताबिक उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और पाकिस्तान का स्टैंड भी यही है, पाकिस्तान ज़बरदस्ती तो नहीं कर लेना चाह रहा ना कश्मीर को, वो तो चाह रहा है कि जनाब साहब आप जो उनको हक है, जो उनको वोट का हक दिया जाए
और वो जो इसके साथ इलाहा करना चाहे कर लें, वो सिंपल एज दैट। Even today, Pakistan media debate on that India will occupy entire Pakistan. Some anchors have also tried to know the reaction of Pakistan public on Akhand Bharat. India is earning name in the whole world with this ability. But some people in Pakistan are fooling their own public in the news studio that India is going to occupy whole Pakistan, in which the Lal Topi is at the forefront. Pakistanis are so scared in the name of Narendra Modi ji and Ajit Doval that sometimes it seems that both of them coming in their dreams. Why will India occupy Pakistan in a poor condition? No one could understand whose country in bad condition. India never call for trouble on your own. But some Pakistanis feel that if India and Pakistan unite, then it will beneficial for Pakistan. तो चाइना के जहाँ तक तल्लक है वो तो जाहिर है कि वो उसकी पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट है। वो कहते हैं कि जनरल सर ये जो है ताइवान ये हमारा पार्ट था, वो उसको वापस लेना चाह रहे हैं। तो दोनों को आप मैच नहीं कर सकते। अलग गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान कौन क्या इंडिया कह रहा है कि हमारा है? हाँ जी इंडिया कह रहा है हमारा। नहीं इंडिया कैसे कह सकता है? अभी भी अगर आप देखेंगे इंडिया का मैप या दूसरा कोई मैप देखेंगे तो वो अब भी गिलगित बल्तिस्तान जो कि वो इंडिया की टेरिटरी में शो होता है वो उसके हदूद के अंदर आता है। इसके बारे में पाकिस्तान तो काबिज है ना गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने पाकिस्तान का कब्जा इस टाइम पाकिस्तान के पाकिस्तानी लोग हैं वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान प्योरली पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा ही रहेगा। चाइना पॉलिसी देखा जाए तो ताइवान चाइना को चाइना अपना हिस्सा समझता है ताइवान को। अगर वन इंडिया पॉलिसी देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर चाइना के टेरिटरी में शो होते हैं, चाइना के मैप में शो होते हैं। क्या समझते हैं आपके अगर इंडिया जो है चाइना का साथ देता है कि वन चाइना पॉलिसी के ऊपर ताइवान का साथ देना पड़ेगा, ताइवान और चाइना को एक मानना पड़ेगा। अगर चाइना साथ देता है इंडिया का तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर चाइना हिस्सा मान सकता है। क्या समझते हैं आपके इन फ्यूचर कभी ये पॉसिबल है, हो सकता है ऐसे? मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और हमें इस तरफ डिस्कस करने के बजाय हमें उनके हकूक़ के बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि हमारा रवैया ये रहता है कि जी वो सुपर पावर या वो ग्रेटर देन अस कि वो ये चाह रहा है, हम इस पे बात क्यों नहीं करते कि कश्मीर का ओरिजिनल मसला क्या है, उसका हक ये है कि उसको आज़ाद किया जाए। उसको आज़ाद करने से बुनियादी तौर पे चाइना का भी थोड़ा सा हक मरता है, इंडिया का जो हक है ही नहीं वो तो जाता ही जाता है, पाकिस्तान का भी हक बीच में मिक्स हो जाता है। पाकिस्तान का किस चीज़ का? गिलगित बल्तिस्तान और जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है तो वो भी जाहिर बात है। गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री अगर निकाली जाए तो वहाँ पर इंडिया हिंदू काबिज थे जिसको हमने आज़ादी के बाद वहाँ से हिंदुओं को हमने निकाल के बाहर कर दिया गिलगित बल्तिस्तान से। अगर मैप में देखा जाए तो टेरिटरी तो इंडिया की शो होती है उसमें अगर हदूद देखा जाए मैप देखा जाए तो इंडिया की हदूद नज़र आ रही है उसमें। इस पर भी मेरी एक डिफरेंट राय है कि मुल्क जो हैं हमेशा बनने के लिए नहीं बनते, ठीक है। ये सरहदें जितनी भी हैं, बॉर्डर्स जितने भी हैं, ये हमेशा रहने के लिए नहीं बनते। हर एक के अपने जब राइट्स ओवरफ्लो करते हैं तो ये दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अब ये और बात है कि इस दौर में 2021, 2022, 23, 25, 30 ये जो अब नई पॉलिसी है उसमें तो ये नज़र आ रहा है के बॉर्डर्स को ना छेड़ो वैसे हुकूमत करो, चले उस टॉपिक पे हम बात नहीं करते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।